आलोट के राजा भगवान अनादि कल्पेश्वर महादेव की शाही सवारी पूरे धूमधाम एवं लाव लश्कर के साथ भस्म रमैया ग्रुप, ओम ब्रूम ग्रुप, भांबीपुरा नगाड़ा ग्रुप, महिला भक्त मंडल आदि की आकर्षक प्रस्तुति के साथ शाही अंदाज में निकाली गई। भगवान का लक्ष्य दीप राठौर द्वारा मनमोहक श्रृंगार किया गया, जहां सवारी के यजमान भरत कोदिया परिवार द्वारा भगवान का पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद मंदिर गेट पर पुलिस प्रशासन द्वारा भोलेनाथ को प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सवारी नगर भ्रमण भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रस्थान हुई, जहाँ कुम्हारपुरा नाके पर नगर परिषद द्वारा भगवान भोलेनाथ की अगवानी की गई, जहाँ क्षेत्र विधायक चिंतामन मालवीय की उपस्थिति में अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक जैन, बंटी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू सिंह परिहार, पार्षद प्रतिनिधि अनिल भरावा, राकेश बैरागी, अर्पित सिंह परिहार आदि की उपस्थिति में भगवान का पूजन कर आरती की गई तथा अतिथियों का सम्मान किया गया। विट्ठल मंदिर चौराहे पर गजेंद्र मोक्ष की कथा पर आधारित तथा नगर में जोगी आया की तर्ज पर झांकियां जनता का मन मोह रही थी। साथ ही विट्ठल मंदिर चौराहे पर महावीर व्यायामशाला, लखारा कुई चौराहे पर विक्रमगढ़ व्यायामशाला, राजेंद्र चौक पर रणजीत व्यायामशाला, संजय चौक चौराहे पर श्री राम बलवीर व्यायामशाला, जगदेवगंज पर श्री राम व्यायामशाला के पहलवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर प्रस्तुतियां दी। वही कन्याशाला रोड पर वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा बजरंग बली के बाहुबली रूप, राधा कृष्ण के नृत्य एवं भूत भावन भगवान शिव के तांडव तथा अघोरी नृत्य पर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। जगदेवगंज पर अगर की भजन मंडली द्वारा सुमधुर भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। पुरानी सब्जी मंडी पर तेजाजी महाराज की कथा का नाट्य मंचन किया गया। साथ ही सहारनपुर के कलाकारों द्वारा स्टेचू के माध्यम से आकर्षक झांकी बनाई गई। वहां वानर के रूप में कलाकारों ने लोगों को आकर्षित किया। नया बाजार में भगवान श्री नाथ जी की झांकी आकर्षक का रूप जनता को मोह रही थी। शाही सवारी में पधारे सभी शिव भक्तों के लिए समिति द्वारा जन सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।